हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। मुझे अपने इश्क पे पूरा यकीन था, और जब इश्क के सामने खुदा झुक जाता है तो वक्त क्या है, उसे तो बदलना ही था। दो दिनों में दो कलाकार दुनिया को अलविदा कह गए, यकीन तो नहीं होता लेकिन सच है। पहले अभिनेता इरफान खान और फिर अब अभिनेता ऋषि कपूर का यूं जाना हर किसी के लिए सदमे से कम नहीं है। बता दें, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने कैंसर से लंबी जंग लड़ी थी, लेकिन अंत में वो हार गए। सड़सठ साल के ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में इलाज करवा कर भारत लौट आए थे और भारत में उनका इलाज चल रहा था। बीते दिनों भी इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। भले ही आज ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में वे हमेशा जिंदा रहेंगे। लाला मेरा नाम है, रौफ लाला। और रौफ लाला लड़की बेचे बिना बाजार बंद नहीं करता। फिर लगाओ इस लौंडिया की गोली। अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से। महान अभिनेता ऋषि कपूर ने हमेशा से ही अपनी एक्टिंग और अपने मासूम चेहरे से हर किसी को लुभाया है। ऋषि कपूर ने 1955 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में एंट्री ली थी। इसके बाद मेरा नाम जोकर, बॉबी, अमर अकबर एंथनी, रफू चक्कर समेत कई हिट फिल्मों ने ऋषि कपूर को एक अलग ही पहचान दी। इन बेहतरीन फिल्मों के लिए वे एक बार नेशनल अवार्ड और 4 बार फिल्मफेयर अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। जब कुरान पढ़ा था तो पता चला था कि कयामत के दिन अल्लाह मुझसे यह सवाल पूछेगा कि मैं एक अच्छा मुसलमान था या नहीं। तूने देखा फूल आते रहे? हाँ, ऐसे सटक से निकला चाइनीज बाबू। अरे बापू जी, तुम लोग क्या करते हो? वे लंबे समय तक बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में बने रहे और आज भी उनकी एक्टिंग के कई लोग कायल हैं। महान अभिनेता ऋषि कपूर को कभी भूला नहीं जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। मुझे अपने इश्क पे पूरा यकीन था, और जब इश्क के सामने खुदा झुक जाता है तो वक्त क्या है, उसे तो बदलना ही था।